بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كونوا مع الصادقين صدق الله العظيم मेरे मुरब्बी और मुशफिक हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती व कारी नकीबुल अमीन साहब कासमी दामत बरकातुहुमुल आलिया और मेरे इस महल्ले के मुरब्बियान किराम नौजवानान इस्लाम अजीज बच्चों पर्दे में बैठे मार रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा एहसान और करम है कि अल्लाह तआला ने हम सबको थोड़ी देर के लिए दीन की महफिल में दीन की मजलिस में बैठने की तौफीक अता फरमाई। दोस्तों बुजुर्गों मैंने एक आयत करीमा तिलावत फरमाई, इसमें अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है ए ईमान वालों सच्चों के साथ हो जाओ। हमारे माशरे में हमारे समाज में सबसे ज्यादा जो गुनाह होता है वो झूठ का है और हम झूठ को दाल भात से भी कमतर समझते हैं। याद रखो मेरे नौजवानों मेरे मुसलमानों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया قيل للرسول الله صلى الله عليه وسلم ايكون المؤمن جبانا ايكون المؤمن بخيلا ايكون المؤمن कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या मुसलमान बुज़दिल हो सकता है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नाम हो सकता है। फिर पूछा गया कि या रसूल अल्लाह क्या मुसलमान मोमिन बखील कंजूस हो सकता है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नाम हो सकता है। हुजूर से पूछा गया अयकूनुल मुमिनु कज़्ज़ाबन के या रसूल अल्लाह क्या मुसलमान झूठा हो सकता है? कौल अल्लाह। हुजूर ने फरमाया कि झूठा मुसलमान हो नहीं सकता। और एक हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन वशना फलैसा मिन्ना के जो धोखा दे वो हम मुसलमान की जमात में से नहीं। आज मुसलमान को सोचना है कि हम नबी की नबुवत का मोहब्बत का दावा करते हैं मगर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुवत से पहले किस अलकाब से कुफार और मुशरिकीन पुकारा करते थे वो असीस और सादिकुल अमीन कहकर पुकारा करते सच्चे अमानतदार, यहां से मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचाना गया। हजरत अबू सुफयान रज़ी अल्लाह अन्हु उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे। हिरकल बादशाह ने सवाल किया कि अबू सुफयान बताओ कि मक्का में जो मुसलमान या ईमान की दावत दे रहा है, जो नबी कह रहा है, जो आखिरी नबी होने का दावा कर रहा है, उसका हस्ब व नसब क्या है? क्या वो झूठा है? क्या वो कज़्ज़ाब है? पर ईमान लाने के बाद फरमा रहे हैं कि मेरा जी तो अंदर से चाहता था कि मैं झूठा कह लूं कज़्ज़ाब कह लूं लेकिन मैं कह नहीं सका क्योंकि हमने बचपन से उस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच बोलते हुए हमने देखा है, सच बोलते हुए देखा है। फिर अकबर बादशाह के सामने अबू सुफयान ने कहा कि नहीं वो झूठा नहीं है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक यहूदी एक काफिर ने वादा किया कि मैं अभी आता हूँ अभी आता हूँ। तीन दिन तक मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी जगह पर खड़े रहे उसी जगह पर खड़े रहे, वादा खिलाफ नहीं किया, वहीं खड़े रहे। सच्चाई हमारी दयानतदारी है, सच्चाई हमारा ईमान है, सच्चाई हमारे लिए बरकत है, सच्चाई मुसलमान का पहचान है, सच्चाई मुसलमान के हर चीज में आगे बढ़ाने की सबसे बड़ी बड़ा हथियार है लेकिन मुसलमान इससे सबसे पीछे है। एक मर्तबा अंग्रेज जज के सामने एक केस गया एक प्लॉट के बारे में, मुसलमान कहता है कि ये प्लॉट मेरा
हिंदू कहता है कि ये प्लॉट मेरा है, मुसलमान ज्यादा स्मार्ट बनकर ऐलान कर दिया कि अगर ये प्लॉट मेरा हुआ तो मैं यहाँ पर मस्जिद बनाकर रहूंगा। सारे मुसलमान उसके हामी हो गए। हिंदू ने देखा कि अच्छा, मुसलमानों को उसने अपने हाथ में कर लिया, उसने भी ऐलान किया कि अगर ये प्लॉट मेरा हो गया मैं यहाँ मंदिर बनाऊंगा। अब अनकरीब था कि बहुत जल्द पूरे दोनों ग्रुपों में खून रेसी हो जाए। केस दायर किया गया, पूछा गया उससे, दोनों परिवार के एक एक आदमी को बुलाकर सवाल किया गया कि बताओ क्या बात है, क्या इस मसले का कोई हल निकल सकता है। हिंदू रहनुमा ने कहा कि हाँ निकल सकता है, इन्हीं में का एक मुसलमान भाई है, वो जो फैसला करते हम मान लेंगे। तारीख बदल दी गई और वो मुसलमान भाई के नाम को खुफिया तौर पर जज के सामने पेश किया गया। तारीख जब अगली तारीख आई, वहां पर नाम निकला मुफ्ती एलाजी बख्ताब कांदलवी, उनको सामने लाया गया। मुफ्ती साहब पहले से ही जांच पड़ताल कर चुके थे। जज अंग्रेज ने कहा कि मुफ्ती साहब बताओ कि ये प्लॉट किसका है। बर्दस्ता मुफ्ती साहब ने कहा कि ये हिंदू भाई का प्लॉट है। मुफ्ती साहब ये भी बता दो कि क्या इस पर वो मंदिर बना सकता है। मुफ्ती साहब ने कहा कि इसकी मिल्कियत है, चाहे ये मंदिर बनाए चाहे घर बनाए, हमें उससे कोई दखल नहीं। तो एक जुमला लिखा जो आखिर में फैसला जब सुनाता है ना, वो लिखा कि आज के इस केस में मुसलमान हार गए, आज के इस केस में मुसलमान हार गए, मगर इस्लाम जीत गया, मगर इस्लाम जीत गया। तो हिंदुओं का रहनुमा वहां पर जो थे, उन्होंने कहा कि जज साहब आपने अपना फैसला सुनाया है, अब लीजिए हम हिंदू भाइयों की तरफ से मैं फैसला सुनाता हूं कि अगर इस्लाम ऐसा सच्चा मजहब है, सच्चाई का प्रचार करता है, हम सब आज से यहीं पर इसी कोर्ट में मुसलमान होते हैं और हम आपसे वादा करते हैं कि उसी जगह पर हम अपने ही हाथों से अल्लाह का घर मस्जिद बनाकर रहेंगे। अस्सिद्क युंजी वल किद्ब युहलिक, सच्चाई निजात दिलाती है और झूठ हलाकत में डालती है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्सिद्क शफीई, सिद्क सच्चाई मेरी शफाती है। मेरे दोस्त बुजुर्ग, आज झूठ में हम कितना माल हड़पते हैं। दुकानदार को पूछो बेगर झूठ के दुकान नहीं चलती, कारोबार वालों को पूछो बेगर झूठ के पर कारोबार नहीं चलता, वकीलों को पूछो बेगर झूठ के वकालत नहीं चलती, डॉक्टर को पूछो बेगर झूठ के डॉक्टरी नहीं चलती। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर पहलू पर सच्चाई करके दिखा दिया है। इमाम आजम रहमतुल्लाह अलैह अपने दुकानदार में जो लेबर रहते थे उनको उस दुकान की जिम्मेदारी दे दी। हजार इमाम साहब की दुकान कपड़े की दुकान थी। एक ताजिर आया तो उससे पहले इमाम साहब ने एक थान बतलाया कि इसमें ये ऐब है, जो भी ताजिर इस कपड़े को लेना चाहे तो उसको पहले ऐब को आया किया जाए, जाहिर किया जाए, उसके बाद वो कपड़ा बेचा जाए। तो इमाम साहब की बात भूल गए। अब वो ताजिर आया, पूरा अजीब सारे कार्टूनों में भरता गया सब सारे, तो उसमें वो ऐप वाला थान भी चला गया। हज इमाम साहब से फारिग होकर आए, बोले कि अरे वो ऐप वाला थान दिखता नहीं है, क्या तुमने बेचते वक्त वो ऐप को जाहिर करके पतला कर दिया था। तो उसने कहा कि नहीं इमाम साहब, मैंने तो भूल गया न, उसके पैसे कहाँ है, वो कपड़े में बंधे हुए पैसे थे, न किधर गया है, न इस तरफ गया। हजरत इमाम साहब दौड़ते हुए गए, ढूंढते ढूंढते बाजार गुलिया बताए के लोगों को पता चला एक दरिया के किनारे पर बैठकर कुछ खा रहा। इमाम साहब ने फरमाया कि आप वो ताजिर हैं जो मेरी दुकान से लाए। बोला कहाँ न भाई, देखो मेरे इस स्थान में एक ऐप है फटा हुआ है और मेरा जो मुलाजिम था वो बगैर ऐप के जाहिर किए आपको बेच दिया है, आप चाहे तो इस बैग को रखे या फस्त कर दे, खत्म कर दे, आपका ये पैसा मैं लेकर आया हूँ, चाहे पूरा कपड़ा वापस कर लीजिए पैसा ले लीजिए या उस स्थान को वापस कर लीजिए पैसा। उसने पूरे पैसे को पकड़ा और खोला, सबको दरिया में उठाकर फेंक दिया।
सबको दरिया में उठाकर फेंक दिया। इमाम साहब ने फरमाया क्या किया तुमने, ये क्या किया? हाँ इमाम साहब, आपने इस स्थान में सच्चाई बोलकर बताया कि यहाँ पर ये नुक्स है, ये ऐब है। अब मुझे भी याद आया कि ये जितने सारे सिक्के वो सब खोटे हैं, खोटे थे, इसलिए मैंने फेंक दिया। लो ये सारे अच्छे पैसे ले लो। सच्चाई निजात दिलाती है। तो मेरे दोस्त बुजुर्गो, ये हमारे माशरे में बच्चे बच्चे को बाप अच्छा अच्छा दुकान बंद होती थी, मैं ला नहीं, झूठ बोल रहा फोन में कह रहा हाँ हाँ ये काजीहाट में हूँ, रहेगा सालेपुर में, झूठ बोल रहा। बच्चे यहीं से सीखते हैं। और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, मोमिन ये गुनाह कर सकता है या रसूल अल्लाह, कर सकता है, ये गुनाह कर सकता है, कर सकता, झूठा हो नहीं सकता, धोखा दे नहीं सकता। अल्लाह ताला हम सबको सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अमा अलैना इल्लल बलाग।